दोस्तों, हमारे पास ये LG का टीवी है जो कि इसका बैक लाइट चल रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो चले हम इसको रिपेयर करते हैं। इधर ले लो, हमने पहले से खोल के रखा है, ठीक है। इसका मॉडल नंबर आपको दिखा देता हूँ, 24LN4100TA। इसका मॉडल नंबर है, 32 इंच का LED LG का टीवी है, ठीक है। सबसे पहले आपको अडेप्टर का जो वोल्टेज होता है वो चेक करने का है, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से, ठीक। कैमरा थोड़ा हिल रहा है लेकिन कोई बात नहीं। आपको ऑन करने का टीवी, और सबसे पहले आपको एक ग्राउंड प्रॉपर कर लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर आप वोल्टेज देख सकते हैं, और ये 25 वोल्ट के आसपास यहाँ पर आना चाहिए जो कि फ्लक्चुएट हो रहा है। हाँ, आ रहा है, 32 वोल्ट आ रहा है, मतलब ठीक है। और बाद में आपको इसका जो पैनल वोल्टेज है, क्योंकि हमारे पिक्चर नहीं आ रहे तो पैनल के वोल्टेज आपको चेक करना है, तो मैं आपको पैनल के वोल्टेज दिखा देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे जो डॉट्स लगे रहते हैं वहाँ पे लिखा होता है कि उसमें कितना वोल्टेज आता है। तो हम एक प्रोब को ग्राउंड कर देते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे 12 वोल्ट बनने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, और यहाँ पर 12 बन रहे हैं लेकिन फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसका PCD पैनल का जो कोब का वोल्टेज होता है वो 5 वोल्ट होता है, वो हम चेक करेंगे यहाँ से। ये 5 वोल्ट आ रहा है, मतलब डिस्प्ले का सब वोल्टेज ओके है। अभी जो डिस्प्ले ऑन होने के लिए जो सिग्नल रहता है वो सिग्नल का वोल्टेज हम चेक करेंगे जो कि 3 वोल्ट के आसपास होता है। अभी हम इसको चेक करते हैं, ये कोब का वोल्टेज है, 1 मिनट। ये जो पैनल के बैक लाइट का वोल्टेज रहता है, ठीक है, यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है। जो पैनल ऑन होने के लिए 3 वोल्ट रहता है वो हम देखेंगे अभी, वो तकरीबन 3 वोल्ट आ रहा है लेकिन फ्लक्चुएट हो रहा है। तो हमारे यहाँ से जो पावर सप्लाई बनते हैं वहाँ से अच्छी तरह से नहीं बन रहे। तो हमने यहाँ पे पहले भी एक कैपेसिटर था जो कि इस तरह का, हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। अभी यहाँ पे कितने वोल्ट बनते हैं देखते हैं, जो कि यहाँ पर 12 वोल्ट आने चाहिए, 12 वोल्ट, ठीक है, जो कि आ रहे हैं, आ रहे लेकिन फ्लक्चुएट हो रहे। इसका कारण नहीं, जो मेन आपका अडेप्टर है उसमें तकनीकी खराबी है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा डिस्प्ले पैनल आना चाहिए तब भी तो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहे। आपका प्योर DC सप्लाई नहीं आ रहा, 18 वोल्ट के आसपास यहाँ पर आ रहे, मतलब ठीक है, 12 वोल्ट से ज़्यादा ही आते हैं। यहाँ पे 19 वोल्ट के आसपास आ रहा है, ठीक है। ये ऑन हो चुका है, अभी हम इसको ये कैपेसिटर वो चेंज करेंगे, ठीक है। ये देखिए, जो कि इस तरह का आपको कैपेसिटर लेना पड़ेगा, 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको मैं, जो कि 47 माइक्रोफेरेड और 50 वोल्ट के आसपास है, 50 वोल्ट यही लगता है। पूरे किट में आपको देखेंगे तो आपको उसी तरह के सारे कैपेसिटर मिल जाएंगे, उसी वैल्यू का आपको डालने का। वोल्टेज ज़्यादा हो तो चलता है, लेकिन माइक्रोफेरेड जो कि फिक्स रहता है वो हमें चेंज करना है। बाद में आप देख सकते हैं यहाँ के जो बैक लाइट के 2 कैपेसिटर है वो फूल चुके हैं, फूल के ऊपर आ चुके हैं, वो भी हम चेंज करेंगे। तो दोस्तों, हमने अभी ये चेंज कर दिया है, अभी हम इसको पावर देंगे और इसको ऑन कर देते हैं। यहाँ पे लाइट जल रही है, ये देखिए, मतलब हमारा डिस्प्ले ऑन होना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे डिस्प्ले में लाइट आ चुका है, ठीक है, हमारा LED ऑन हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।